Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे. और हम अपने जीवन में जो भी है उसको सब याद करेंगे. जो भी गॉड ने हमको ब्लेसिंग्स दिया है, जैसे हमारा फैमिली मेंबर्स, हमारा घर, हमारे फ्रेंड्स, सबको हम याद करेंगे. और हम यीशु को धन्यवाद करेंगे ये सारी चीजों को उन्होंने दिया है हमारे जीवन में. हम अपने आप को गॉड को सरेंडर करेंगे आज. और हम हमारे दिमाग में हमारे जो भी चल रहा है उसको हम 2 मिनट साइड पे रखेंगे. हम सिर्फ और सिर्फ यीशु पे फोकस करेंगे और हम उनको आज दिल से धन्यवाद करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे. उन्होंने जो भी हमारे जीवन में दिया है हम दिल से ये गाना गाकर उनको धन्यवाद करेंगे, उनको शुक्रिया अदा करेंगे. उन्होंने जो भी कुछ दिया है हमारे जीवन में, इवन हम अपने प्रॉब्लम्स को याद करेंगे और आज इस समय में वो प्रॉब्लम्स को भी हम सरेंडर करके लिए शुक्रिया अदा करेंगे कि उस प्रॉब्लम से हम उठकर आए और हम गॉड को थैंक यू करेंगे. हम क्या दे सकते प्रभु, हम अपने आप को समर्पित करते हैं आपकी तरफ. हम कुछ नहीं है प्रभु, सब और सब आप ही है. मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया. मैं क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया. तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम. तुझ में ही हर कोई काम. शुक्रिया करता हूँ मैं तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम. शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया.
करता है। हालेलुया, इतने लोगों को विश्वास है। हालेलुया, आप सब लोग मुंह खोल के बोलो, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आना। हालेलुया, बस वही जरूरत है, वो दिल में आएगा, अपना लाइफ बदल जाएगा। हालेलुया, he is the only one you need in your life, no one else. हालेलुया, the moment he comes, the moment he enters in, your life changes. हालेलुया, हालेलुया, he always wants to have a relationship with you, he always wants to dwell in you. Though you are coming to your church, you already know that you are the temple of him. Hallelujah. You are the temple. Tumhi wo kalishya ho. Hallelujah. We are just together to worship in unity. Hallelujah. Sab bhoor kar ke bolenge, aap pavitra atma mere dil mein aap. Hallelujah. Hallelujah. Sab aankhe band karenge. Parmeshwar ke aur dekhenge. Ye 5 minute ke liye kuch aur mat soch. Aapka life mein kitna bhi dukh rehne do, takleef rehne do. Ghar ke bare mein soch. Bachche ke bare mein soch. बिजनेस के बारे में सोच, काम के बारे में सोच, कुछ भी सोच रहेगा, सब परमेश्वर के हाथ चरणों पर दे दो और अभी सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ओर देखो और बोलो, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। हालेलुया, इनवाइट हिम, स्वागत करो पवित्र आत्मा को। आप मुंह खोल के बोलेंगे तभी वो आएगा। हालेलुया, आपका मुंह खोल कर बोलो, आप पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। बोलो, आप पवित्र आत्मा
जीवन का क्या भरोसा, धोखे पे धोखा है सारा जहां, चाहो तो जाओ Jesus Christ. I always learn this from Pastor Philip. कि
हर एक जन को रिस्पेक्ट करना है दैट यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन और हर समय एक जैसा रहना है एंड यू हैव टू बी द सेम ऑल द टाइम पास्टर का स्वागत करते हैं वी वेलकम डियर पास्टर लेट्स क्लैप आवर हैंड्स एंड वेलकम पास्टर जैसे आप बढ़ने लगे एंड द वे यू स्टार्टेड ग्रोइंग अप उनका सच्चाई पता चला यू केम टू नो द ट्रुथ हालेलुया हालेलुया गॉड फ्रेंडशिप को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं जीसस हैज गिवन अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू फ्रेंडशिप इसलिए उन्होंने अपने चेलों को बताया कि दैट्स व्हाई ही टोल्ड हिज डिसिपल्स मैं आपका गुरु नहीं हूं आई एम नॉट योर टीचर ना पिता हूं नाइदर फादर मैं तेरा दोस्त हूं आई एम योर फ्रेंड क्यों मालूम है यू नो व्हाई अगर आपको पता है मुझे पता है आपको जिंदगी में सच्चा दोस्त था कि I do not know whether you had a true friend in your life or not. Sachcha dost kaisa hota malum hai? You know what a true friend would look like? Wo aapke liye jaan de dega. He can give his life for you. Aur aapke liye jaan kisi ka bhi le dega. And he can take anybody's life for you. David aur Jonathan aise hi the. There were two people in the Bible, David and Jonathan. Jonathan ka dad Saul. The dad, the father of Jonathan, he Saul. David ko maarna chahta tha. He wanted to kill David. Kyun maarna chahta tha? Why he wanted to kill David? Saul ke baad Jonathan Because Saul wanted Jonathan to be the next king, his own son. अगर David रहेगा तो, if David was alive, उसका बेटा king नहीं बन सकता था. His own son will not become a king. But Jonathan का सोच वैसा नहीं था. But Jonathan was not thinking that way. उसने सिर्फ इतना ही सोचा. He only thought, वो मेरा दोस्त है. He is my friend. उसके साथ अच्छा हो रहा है तो मेरे को चलेगा. If he is good, I am fine. वो आखरी तक David को बचा रहा था. Till the end of his life, he was trying to save David. इसको बोलते हैं एक सच्चा दोस्त. This is called a true friendship. चाहे उसकी जिंदगी में अच्छा हो या ना हो. No matter your life is good or not. वो आपके लिए मदद करेगा. He will help for you. ये ऐसा दोस्त अभी दुनिया में बहुत कम है. This type of friends in the current scenario we have very less on earth. That's why Jesus said, I'm your friend. You don't go and search friendship on the earth. I'm your friend. How many of you all want Jesus Christ to be your friend? Hallelujah. Let's pray. आंखों को बंद करेंगे Let's close our eyes. और आज के दिन को हम परमेश्वर के हाथ में And let us surrender today to in God's hand. परमेश्वर अपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद God, thank you for giving us this time. आप हमारा दोस्त हैं प्रभु You are our friend, Lord. इसलिए आपने अपना जीवन दिया प्रभु That's why you gave your own life for us. आपका प्यार बहुत सच्चा है प्रभु Your love is true, Lord. आंसुओं में हमारा साथ You were there with us in our tears. दुखों में हमारा साथ है You were there with us in our sorrows. You were there with us in all our troubles. Everyone left our hand. But you have never left our hand, Lord. You are the true friend. Who gave your life for me, Lord. We thank you for this day, Lord. We thank you that you got us here today. From the beginning till the end, you lead us, Lord. The people who are here, they should not go empty-handed. The people who couldn't come here today, bless them as well. The prayers which is happening in Dharavi Church, Samalpatti, Udiyandal Church, and all the prayer services which is happening across the world we give it into your hands Lord let your name be glorified the Lord Jesus whom we have received let each one on the earth receive it Lord I give this time also in your hand we should decrease Lord and you must increase Lord. Your name must be glorified, Lord. In the name of Jesus Christ, we pray and we say Amen. Hallelujah. 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 7 months निकल गया है. 7 months have passed by. आठवां महीना भी आ गया है. This is the 8th month.
सात महीना उतना अच्छा नहीं गया है. Past 7 months were not that good. फिर भी जिंदा है हम लोग. Still we are alive. वो परमेश्वर का कृपा है. That's only because of God's grace. साल के शुरुआत में किधर और थे हम. The beginning of the year we were somewhere else. अब यहाँ है. Today we are here. ये सब एक प्रोसेस है. All these things are a process. Hallelujah. Hallelujah. हम ये महीने के लिए वचन पढ़ेंगे. Let's read the first verse for this month. अब 30 मिनट. For the next 30 minutes. सिर्फ वचन पे ध्यान देना. Just focus on the word. क्योंकि वचन ही आपको छुटकारा देगा. Because only the word can deliver you. मैं देख सकता हूँ कि. I can see. मैं समझ सकता हूँ कि. I can understand. आपको तकलीफ है. You have trouble. बोझ है आपको. You are burdened. Confused है आप. You are confused. समझ में नहीं आ रहा आपको. You do not have the understanding. इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ. That's why I'm telling you. वचन पे ध्यान दो. Just focus on the word of God. वचन आपको छुटकारा. Because the word itself will deliver you. हम पढ़ेंगे Isaiah 43:2. Let's read Isaiah chapter 43 verses 2. Isaiah chapter 43 verses 2. When you pass through the waters, I will be with you, and when you pass through the rivers, they will not sweep over you. When you walk through the fire, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. Hallelujah. Hallelujah. Hindi mein padhenge. Let's read in Hindi, Isaiah 43 mein verses 2. Jab tu jal mein hokar chalega, main tere sang संग रहूंगा. और जब तू नदियों में होके चलेगा, तब भी तुझे ना डुबा सकेंगे. वो ना डुबा सकेगी. जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी और उसके लोग तुझे ना जला सकेगी. हालेलुया. परमेश्वर एक कहता है कि वचन में. The Lord said, You will walk through the waters. आप पानी में चलोगे. But it will not harm you. पर आपको कुछ हानि नहीं होगा. You will walk through the rivers. आप नदियों में चलोगे. It will not harm you. आप डूबेंगे नहीं. You will walk through the fire. आप आग में चलोगे. But the fire will not harm you. वो जो आग है वो भी आपको हानि नहीं पहुंचाएगा. परमेश्वर ये मैंने आपको यही बता रहा है कि God wanted to tell you, चाहे आप कोई भी स्थिति में चलते रहो, no matter what is your situation, कोई भी हानि आपको नहीं आएगा. No, nothing will harm you. कितने लोग ये भरोसा करते हैं? How many of you all believe this? कि मैं आग में चलने दूँ, I am in the fire, या फिर जल में रहने दूँ, even I am amidst the water, मुझे और मेरे परिवार को हानि नहीं होगा. But no harm will befall me and my family. Hallelujah. 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 यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन है. I have a question over here. ये तो वादा है परमेश्वर. This is a promise given by God. पानी में चलेंगे तो कुछ नहीं होगा. Even when I pass through the waters, I will nothing will harm me. जल में चलेंगे तो भी कुछ नहीं होगा. Even when I'm walking through the waters, nothing will harm me. आग में चलेगा तो कैसा कुछ नहीं होगा. When I walk through the fire, how can no harm befall me? कितने लोगों को पता है कि आग में चलेगा तो कुछ नहीं होता ऐसा. How many of you believe and know that you, if you are put in fire, nothing will harm you? Is it possible? हो सकता है ऐसा. आग में चलेगा तो जलेगा, ठीक है? हाँ ना. अभी मेरे साथ बात करेंगे. हाँ ना. Say yes or no. If you are in the fire, will you be burnt or not? तो परमेश्वर आग में क्यों चलने बोलता है अपने को? Why God says that you walk through the fire? क्योंकि ये एक process है. Because this is a process. आग में चलना. To walk in the fire. एक process है. Is a process. मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताऊंगा. Bible का. I want to tell a story from the Bible. इसके बाद हम प्रार्थना करके खत्म करेंगे. After that we will pray and finish. आज जो भी आग में आप चल रहे हैं ना. Today the fire you are walking through. ये ऐसा मत सोचो कि ये मेरे जिंदगी में मेरे वजह से आ गया है. Don't think because of me I am in the fire. परमेश्वर ने भी ये आग आपके लिए allow किया है. God might have allowed this fire in your life. आप सोचते रहेंगे कि ये कैसा हो सकता है. You might be thinking, how can God allow fire? परमेश्वर मेरे जिंदगी में problem क्यों allow करेगा? Why would God allow problems in my life? वचन कहता है कि तो आग में चलेगा. Because the word says, you will walk in the fire. आग में
मैं तुझे बचाऊंगा एंड आई विल हेल्प यू. मतलब ये है कि तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेगा. दैट मींस इन योर लाइफ यू विल हैव प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम्स में मैं आपके साथ रहूंगा. इन दोस प्रॉब्लम्स आई विल बी विद यू. यही एक प्रोसेस है. दैट इज अ प्रोसेस. ये प्रोसेस से जब भी आप बाहर जाते ना, whenever you fall apart from this process, तब आप बिगड़ जाते हैं. At that point of time you lose everything. Hallelujah. Hallelujah. अब एक स्टोरी पढ़ेंगे. Now let's read a story from the Bible. Jeremiah heading ले लेंगे. Jeremiah chapter 18. अब 1-6 पढ़ेंगे हिंदी में. Let's read verses 1-6. एक जन पढ़ेंगे, बाकी लोग सिर्फ सुनेंगे. Jeremiah 18. Chapter 18, 18 में. 1-6. Let's read 1-6. Let's read in Hindi. यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा. ओके, अब गॉड ने जेरेमिया को एक वचन दिया. बाकी लोग ध्यान से सुनना. गॉड हैज गिवन अ वर्ड टू जेरेमिया. जेरेमिया एक बड़ा प्रोफेट था. जेरेमिया एक भविष्यद्वक्ता है. तो गॉड ने जेरेमिया को एक वचन दिया. गॉड हैड गिवन अ वर्ड टू जेरेमिया. उड़ जा तू और कुमार के घर जा. कुमार के घर जा. कितने लोग कुमार जानते हैं? द पीपल हु वर्क इन क्ले, मिट्टी में बनाते ना काम, उनको कुमार बोलते हैं. ठीक है, कुमार के घर जा और वहाँ मैं तुझे अपना वचन सुनाऊंगा. वचन सुनाऊंगा आगे. इसीलिए मैं कुमार के घर गया और क्या देखा. ओके, ध्यान से सुनना. अब लिसन कैरफुली. जेरेमिया एक बड़ा प्रॉफिट है. जेरेमिया इज अ बिग प्रॉफिट. गॉड ने जेरेमिया को बोला. गॉड कॉल्ड जेरेमिया. You stand up. तू कुमार के घर जा. And go to the potter's house. मैं वहाँ पर तेरे से बात करूँगा. And there I will talk to you. क्योंकि जेरेमिया को एक चिंता था. Jeremiah always had a trouble. उसके लोग के बारे में. He always had a thought about his own people. जैसा मैं को यहाँ आने से पहले. Before coming over here. आप लोग का चिंता था. I was worried about you. कि मैं इन लोग से क्या बात करूँ. Then what should I talk to my people? इन लोग को कैसा मैं मदद करूँ? How can I help my people? तो परमेश्वर ने जेरेमिया को बोला. Then Lord spoke with Jeremiah. तू उठ. Get up. तू चल कुमार के घर में. Go to the potter's house. तो जेरेमिया के साथ चले गए थे उस जगह पे. Now even I went with Jeremiah to that place. अब परमेश्वर आपको क्या बोले? Now what the God said to Jeremiah? वो चाक पर कुछ बना रहा है. ठीक है, अब यहाँ पर कुमार जो चाक है उसमें कुछ तो बना रहा था. The potter was working something with that on the wheel. Okay. का वो बना रहा था. वो बिगड़ गया. हालेलुया. जो मिट्टी के बर्तन पे जो कुमार काम कर रहा था, वो शेपिंग दैट क्ले विद हिज हैंड, वो बिगड़ गया था. दैट वाज मड. जो मिट्टी, द मड जो घूम रहा था उसमें, व्हिच वाज रोलिंग ओवर, बिगड़ गया था. दैट वाज स्पॉइल्ड. कितने लोग जानते हो प्रोसेस कैसा होता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू मेक अ पॉट? वो घूमता रहता है मिट्टी बनकर. आपको मालूम है कितना बार वो बिगड़ता है? You know how many times it keeps on spoiling? It keeps on getting marred. जैसा हम और आप. Similarly, like you and me. अब एक संडे चर्च आते. One Sunday we come to church. यहाँ से विश्वास के साथ जाते. I will go from here with faith. अब मैं नहीं डरूंगी. I will not fear. अब मैं नहीं डरूंगा. I will not fear. Pastor ने बोल दिया यीशु मसीह देख लेगा. Because pastor said that God is with me. तो यहाँ से बाहर जाते. The moment we leave this place and go out. अब बिगड़ जाते. You get marred again. फिर से आप आते एक दिन चर्च. Again you come another day. फिर यहाँ पर और एक वचन सुनते. You might be listening to another sermon. आप यहाँ से निकलते कि मैं आशीर्वाद दूँगा. Now you left saying I will be blessed. So now जब फिर से बिगड़ जाते. Again you go outside and get marred. ये मिट्टी भी कुमार के हाथ में बार बार बिगड़ रहा था. Same way the mud was getting marred again and again in the hand of the potter. आगे. तब उसने उसी का दूसरा बच्चा अपने समझ के अनुसार बना दिया. हालेलुया. अब उसको कुछ और बनाना था ये मिट्टी से. He wanted to make something of that mud. वो नहीं बन रहा था. He was not able to make it. तो फिर भी उसने उसको छोड़ा नहीं. He did not leave it. उसने एक बर्तन बना दिया. He made it to another vessel. Hallelujah. Hallelujah. इतना सबको समझा? How many of you understood this? आगे. तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा. हे इस्राएल के घराने. ये इस्राएल के घराने. यहोवा के एबानी. वाणी है कि इस कुमार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? हालेलुया. हालेलुया. इसके बाद में कोई आगे का वचन समझा. After this I
understood the words ahead. ये मिट्टी नहीं बिगड़ रहा था. The mud was not getting spoiled. ये कुमार उसको बार-बार बिगाड़ रहा था. The potter was spoiling him. क्यों बिगाड़ रहा था? Why you know? क्योंकि वो उसको मजबूत बना रहा था. He was making it strong. ये इतना तक पहला वचन मेरे को क्या लग रहा था? The first part of the words I thought. कि ये मिट्टी बार-बार बिगड़ रहा है. That mud itself was getting destroyed. मेरे को नहीं लग रहा था ये लोग इधर से जाके बदल जाते. Even I thought that the people are going from here and they are changing. फिर मेरे को समझा बाहर जाने के बाद. Then I understood after leaving the place. इनको तकलीफ आता है. They get trouble. इनको जरूरत आता है. They get their own needs. लोग बहुत इनके बारे में बोलते हैं. The people start gossiping about them. फिर ये फिर से बिगड़ जाते. That's why they are marred again. ये सब परमेश्वर इनका इनके लाइफ में अलाउ कर रहे हैं. God himself allowed all these things to happen with them. क्यों? Why you know? अब फिर से तो पांच और छह पढ़ेंगे. Let's read again verses 5 and 6. तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा. हे इस्राएल के घराने. ये इस्राएल के घराने. यहोवा की ये वाणी है कि इस कुमार के समान तुम्हारे हाथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता. हालेलुया. देख जैसा मिट्टी कुमार के हाथ में रहता है वैसा ही ये इस्राएल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो. हालेलुया. तो समझ लो. सो अंडरस्टैंड. कलीसिया आने के बाद भी व्हेन आफ्टर कमिंग टू द चर्च एज वेल आपके लाइफ में प्रॉब्लम है तो इफ देयर आर प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ चिंता मत करो. डू नॉट वरी. अब कुमार के हाथ में. यू आर इन द हैंड ऑफ द पॉटर. ये एक प्रोसेस है. दिस इज जस्ट अ प्रोसेस. बर्तन को आग में भी निकाल दे इसको. You know the same vessel is taken to the fire as well. क्यों मालूम है? You know why? वो मजबूत बनता है. Just to make it strong. इसलिए परमेश्वर ने वचन में बोला. That's why God said in the word. आग में भी चलेगा. Even you walk through the fire. चलेगा नहीं. You will not be burned. चलेगा तू. You will walk. चलेगा नहीं. You will not be burned. जैसा कुमार के आग में ये बेटी है. The same way in the hand of the potter. वैसे आप परमेश्वर के हाथ में. Like same way you are also in God's hand. कुमार कुछ बर्तन को. The potter does with some vessel. जल्दी बना लेता है. He makes it fast. कुछ को समय लगता है. For some he takes a long time. आपको अगर आपका जिंदगी में आगे बढ़ने में बहुत समय लग रहा है. If you are taking too long to go ahead in your life. तो याद रखो आप मूल्यवान बर्तन हैं. Just think and just accept the fact that you are an important vessel for God. जब तक वो बर्तन बनता नहीं है. Till the time the vessel is not prepared. कोई कीचड़ी है. That is just a mud. ये समझ लो. बनाने के बाद वो एक बर्तन बनता है. After becoming it is a vessel. किचन लेके जाके कोई घर पे रखेगा? Can someone take the mud and keep it on stir? पर बर्तन को रखेंगे. They can keep the vessel on stir. और जब ये बर्तन बनता है ना? When the vessel is being made. ये मिट्टी सोचता है. That mud thinks. क्यों इतना तकलीफ? Why so much pain? कितना घुमाने हैं मुझे? How much time I have to go roll and roll? कितना बार पानी डालते हैं मेरे? How many time waters have been thrown? कितना तोड़ता है यार तू? How much they are breaking? अरे मैं थक गया हूँ. I'm just tired. पर कुमार नहीं छोड़ता है. But the potter did not leave. बार-बार वो आग में बिगड़ जाता है. Again and again after the place marked. फिर भी वो बनाते ही रहता है. Still he keeps on making it. क्योंकि? You know why? जब तक वो उसमें एक बर्तन नहीं बनाएगा. Till the time it's become a vessel. वो उसको छोड़ेगा नहीं. He, the potter will not leave. The people who are sitting here. यहाँ पर जो लोग बैठे हैं. If you are going through hard times in your life. आपको ऐसा तकलीफ है ज़िंदगी में. If you are living a painful life. अगर आपका ज़िंदगी में बहुत सारा तकलीफ है. You are not able to understand what is the problem with your life. आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ज़िंदगी में ये समस्या क्यों है. Understand this. ये चीज़ आप समझ लो. God is molding you. परमेश्वर आपको बना रहा है. It's a process. ये तो एक प्रोसेस ही है. If you are going through a fire, अगर आप आग में चल रहे हो तो that is the process. वो एक प्रोसेस है. If you are facing a lot of pain in your life, अगर बहुत सारा दुख और तकलीफ है. If you are not able to understand why my husband doesn't love me, और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपका पति क्यों प्रेम नहीं कर रहा. If you are not able to understand why my wife is not considering me, आपको ये नहीं समझ रहा कि आपका पत्नी क्यों आपको इज्जत नहीं दे रही है. If you are not able to understand why my children are against me, आपको ये नहीं समझ रहे कि आपका बच्चे आपका बात क्यों नहीं सुन रहे. If you are not able to understand what is the problem in your life, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपका जिंदगी में क्या समस्या है. God is preparing you for something big. परमेश्वर आपको कुछ तो बड़ा चीज के लिए बना रहा है. You are in a process. आप कुमार के हाथ में हो. You are a unique piece. आप एक यूनिक वेसल हो. The
एक साथ लेकर वो बनाता नहीं है। At a single time, एक समय he molds a vessel, एक पात्र को बनाता है। He is molding you, वो आपको भी बना रहा to make you a vessel, आपको एक पात्र बना रहा है। That is why so much pain in your life, इसलिए इतना तकलीफ है। That is why so much sorrow in your life, इसलिए इतना दर्द है। That is why you are facing this hardship, और इसलिए आपको ये सब। The same thing happened with Job. यही हुआ अय्यूब के साथ। He went through a lot of hardship in his life. वो बहुत कुछ उसका जिंदगी में देखा। Let's read Job 23:10. सब रीड करेंगे अय्यूब में। Finish with this. 23 में टन। Job chapter 23 verses 10. परंतु वो जानता है कि मैं किसी चाल और जब वो मुझे तालेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। हालेलुया। अंडरस्टैंड दिस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये समझो मेरे प्रिय भाइयों बहनों। गोल्ड इज रिफाइंड टू बी मेड गोल्ड, ये सोना जो है ना इस पे बहुत सारा टेस्ट होता है फिर वो सोना बनता है। जब वो मिलता है वो सिर्फ एक पत्थर होता है। When you get a gold, it's just a stone. उसको परखना पड़ता है। They have to test it. क्यों परखना पड़ता है? Why it has to be tested? अगर नहीं परखेंगे तो वो सोना नहीं बन सकता। If it is not tested, it is not gold. पत्थर में भी वो सोना ही है। Even when it's a stone, it's gold only. पर परखने के बाद ही वो चमकता है। But they have to refine it, then only it becomes gold. The same way. ऐसे ही। God is refining you. परमेश्वर आपको परीक्षा ले रहा है। कितने लोग को समझ रहा है आपके लाइफ में तकलीफ अभी क्यों है करके? आप how many of you are able to understand why you are going through so many trouble in your life? समझ रहे? Are you able to understand? ज़्यादा तकलीफ है, एकदम ज़्यादा तकलीफ। If you have too many problems, मतलब आप आग में हैं। That means you are in fire process. Last process होता है। ये this is the last process. Starting में सिर्फ किचन रहता है। In the beginning you're just a mud. पानी डाला जाता है। It's just water over you. फिर आग से पिसला जाता है। Then they just make with your hand. भी किया जाता है। Then it's made with the. फिर बनाते बनाते। Then in the process while making it. एक छोटा सा बर्तन बनता है। It's just small vessel. अगर आग में चला गया मतलब? After going into the fire. को? It's a complete product. आपको अगर बहुत तकलीफ है ना? If you're amid so many problems. इतना तकलीफ कि आपको समझ में नहीं आ रहा है ना? That so many problems that you're not able to understand as well. मतलब आप आग में आपको परखा जा रहा है। That means right now you're in the fire refining process. चिंता मत करो। Do not worry. परखने के बाद आप सोना बन। After refined, after the testing, you are pure gold. Hallelujah. और now one more thing. मिट्टी को पूरा ज़्यादा लेके रखता है वो। They take a lot of mud and keep. पर थोड़ा सा मिट्टी में वो बनाता है। But with a little mud he makes it. और बाकी मिट्टी सब निकल जाता है। And the other leftover mud are just thrown away. इसलिए बहुत जरूरत है कि आप तकलीफ में भी कुमार के हाथ पे रहना चाहिए। That's why amidst a problem also you have to be in the hand of God. हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हमारे? What's the biggest problem in our life, you know? हमारे लाइफ में जब भी तकलीफ आता है ना? Whenever we face problems in our life. हम पहला कलीशिया से रोकने के लिए देखते हैं। We just try to be away from God. पहला सब 9 बजे प्रार्थना है तो 8:30 को हम आ जाते हैं। When we had prayer before, when the prayer is at 9, we come at 8:30. अब जब तकलीफ आ गया तो? When there are problems. अब जानना है क्या ऐसा सोचते हैं? First thing we get up and we think whether we should go or not. जिसके भी मन में प्रार्थना में या आराधना में आपका सेवा में जब भी आप पीछे जाने के लिए सोचे हैं ना? Whenever you try to go away or go behind from God. तो समझ लो आप कुमार के हाथ पे नहीं हो। That means you are not in God's hand. और कुमार के हाथ में जब तक रहती है। Until the time you are in the hand of God. तभी वो बना सकता है। At that time only he can make you. नहीं है तो कैसा बनाएगा? If you are not there, how can he make you? इसलिए चाहे कुछ भी संकट होने दो। That's why no matter how big the problem is. आपको कुमार के हाथ में बना रहना है। You have to be in the hand of God. Hallelujah. Hallelujah. हम Isaiah 48:10 पढ़ेंगे। Let's read Isaiah chapter 48 verses 10. Isaiah chapter 48 में 10 read करेंगे। मैंने तुझे निर्मल तो किया हाँ परंतु चांदी के
मुझे चुन लिया है। हालेलुया हालेलुया। लेट्स रीड इन इंग्लिश। सी आई एम रिफाइंड यू, गॉड हैज रिफाइंड यू, दो नॉट एज सिल्वर, ओके, आई हैव टेस्टेड यू इन द फर्नेस ऑफ एफ्लिक्शन। हालेलुया हालेलुया। इसमें परमेश्वर ने बहुत अच्छे से बता दिया है। गॉड हैज टोल्ड अस वेरी क्लियरली, मैंने आपको परखा है। I have refined you. चांदी के जैसा नहीं। It's not like silver. चांदी आग में परखा जाता है। The silver is refined in fire. तुम्हें मैं तकलीफ में परखा हूँ। I have refined you over the affliction. वचन में वही लिखा है ना? That's written the verse, right? तो तुमको अगर तकलीफ हो रहा है तो जिंदगी में। If you are having affliction in your life right now. चीज समझ लेना आप। So understand this thing. अब परखा जा रहे हैं। You're just being tested. और ज़्यादा तकलीफ है ना? And the more the problems. तो समझ लो आप साधारण मनुष्य नहीं है। That means you're not an ordinary man. कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? How many of you are able to understand what I'm trying to say? एक मनुष्य था। There's a man. उसके पास एक बड़ा सा शोरूम था। There was a man who had a very big showroom. और पर बहुत अलग-अलग तरह के बर्तन थे। There were different type of vessels in this showroom. वहाँ पर एक बर्तन था। There was one vessel in the showroom. वो बर्तन सबको पसंद आता था। Everyone liked that vessel. और सब चाहते थे वो बर्तन लेना। And everyone wanted to bring that vessel. पर मालिक वो बर्तन को कभी भी नहीं बेचता था। But that owner would not sell that vessel anytime. बाकी सब बर्तन को। The other vessels. एक क्वेश्चन था कि। There was only one question. ये क्यों इतना मूल्यवान है? Why is this vessel so important? तो ये लोग ने एक दिन सोचा कि। Then the other vessels thought one day. हम सब उस बर्तन को पूछेंगे। We will ask that vessel. तो क्यों इतना मूल्यवान? Why are you so important? अब। Now. वो बर्तन के सामने सब खड़े हैं। Every other vessel is standing. और वो बर्तन ने बताया कि। And the main vessel said. मैं आज जो बना हूँ। What I am today. इसके लिए। It's because. मैंने बहुत तकलीफ उठाया। I had gone through so many things. मुझे मिट्टी से उठाया गया था। I was lifted up from. मेरे भाइयों से अलग किया गया था। I was separated from my brothers and sisters. मुझे एक टायर पे रखा गया था, व्हील पे। I was kept in a wheel. मुझे बार-बार घुमाया गया था। And again I was rolled upon. मेरे ऊपर पानी पे पानी डाला जा रहा था। There was so much water thrown on me. पेड़ से मुझे मारा गया था। They were just kicking me with their legs. हाथ से दबाया गया था मुझे। I was just pressed with their hands. मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा था। I was not able to understand as well. रोज रोता था। I was crying every day. घूम-घूम के यहाँ से यहाँ घूम-घूम के मैं पागल हो गया था। From year to there I was just going mad. फिर मैं घोटा के आग में डाल दिया। After that process, they lifted me up and put me in the fire. पर आज मैं यहाँ पर हूँ। Today I'm here. सब लोग मेरे को देख के तारीफ करते हैं। Everyone is praising me. पर मुझे उस दिन पता नहीं था कि। I was not aware that day. इतना तकलीफ मैं इसीलिए उठा रहा था। All these troubles I had to go through. क्योंकि मैं एक मूल्यवान बर्तन। Because I'm going to be an important vessel. इसी तरह। The same way. प्रिय भाइयों और बहनों। My dear brothers and sisters. तुम जो भी चाह रहे हो उस स्थिति में। Whatever process you are going through in your life. तकलीफ ज़्यादा है। If there are more trouble. That simply means you are a very important vessel. ये आपको पता नहीं चलेगा। You will not understand this. क्योंकि आप तकलीफ में हो। Because right now you are in that trouble. पर आज जैसा मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। The same way I am standing here today. आप एक दिन यहाँ पर खड़े The same day, one day you will also be standing. सब लोग आपको भी पूछेंगे कि। Everyone will ask you as well. तो ऐसा किस तरह बन गया? How come you have become like this? अरे तू तेरे को तो मैं कल उधर देखा था। I've seen you the other day there. आज इतना बड़ा घर ले लिया। Today you have got such a big house. तू तो रोड में सोया था। You were sleeping on the roadside. आज तू चंगा ही पा लिया। Today you are delivered. तू तो कर्ज में जा रही है। You are in debts, right? आज तू कर्ज दे रहा है। Today you are lending to nations. तू तो अकेला था। You are alone. आज तेरे इतना बड़ा परिवार बन गया। Today you have such a big family. तब आप लोग समझेंगे। And that time you will know. परमेश्वर आपको परखा था। God has separated you. परमेश्वर आपको चुना था। God chose you. आप कुमार के हाथ में मिट्टी थे। You were mud in the hand of potter. My brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों। Don't be afraid. आप डरो मत। Don't worry. आप चिंता भी मत करो। No matter what is happening in your life. कुछ भी होने दो आपको जिंदगी में। People are with you or not. लोग आपके साथ हो या ना। If the family is with you or not.
आपका परिवार आपके साथ हो या नहीं हो, your friends are with you or not, आपके जो मित्र आपके साथ हो या नहीं हो, no matter how worse is your situation, आपका जो परिस्थिति हो कैसे भी रहने दो, but trust the process, ये जो process है इस पे भरोसा करो, that's why God is saying, परमेश्वर यही कहता है, you will walk through waters, आप पानी में चलोगे, I will be with you, मैं आपके साथ चलूंगा, you will walk through the rivers, आप नदियों में चलोगे, I will be with you, मैं आपके साथ रहूंगा, you will walk through the fire, आप आग में चलोगे, but nothing will harm you, कोई हानि आपको नहीं पहुंचे, hallelujah, 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 but it is very important to be in the hand of the potter, ये बहुत मुख्य है कि आप परमेश्वर के हाथ में रहो, because when you are in his hand, कुमार के हाथ में रहने से कितना भी टाइम तुम बिगड़ जाओ, no matter how many times you are broken, बनाते ही रहेगा, he will keep on making you, कुमार का काम है वो मिट्टी से एक बर्तन बनाना ही है, because the work of a potter is to make a vessel out of that mud, पर अगर उसके हाथ से वो मिट्टी निकल गया, but if the mud goes away from the hand of potter, कुछ नहीं बना पाएगा, he will not be able to make it, मैं हमेशा एक स्टोरी बोलता हूँ, I always say a story, ये मेरा एक फेवरेट स्टोरी, आप लोगों को बताया कि मैं पता नहीं, this is one of my favorite story, मैं स्टोरी बोलूँ तो हम एक वचन लेकर अभी खत्म करें, after this story we will read one last verse and pray, पता नहीं कितने लोगों को मैंने ये स्टोरी ऑलरेडी बताया था कहीं, I'm not aware if someone knows or I would have told this story before, फिर से आपको बता दे, but still I wanted to say, एक जवान था, there was a young man, 18 साल का, he was just 18 years old, उसके पास एक अच्छा मूल्यवान गाड़ी था, he had a very expensive car, वो गाड़ी से वो एक दिन रोड पे जा रहा था, and when he was driving it along on road, वही रोड पे और एक 80 साल का बूढ़ा अंकल था, इन द सेम रोड देयर वाज वन मोर ओल्ड मैन, जिसके पास साइकिल था, ही वाज कमिंग बाय साइकिल, दोनों एक ही रोड पे जा रहे थे, बोथ वर ट्रैवलिंग इन द सेम रोड, जवान बहुत तेज से निकल गया, दैट यंग मैन वाज वेरी फास्ट इन ड्राइविंग एंड वेंट अहेड, जाते समय वो अंकल ने उसको हाथ दिखाया, इसने भी स्माइल देकर निकल गया, while going this 80 year old man said hi and he said hi and he left, कुछ दूर जाने के बाद after a particular time उसका गाड़ी रुक गया, the car stopped, बहुत देर से try कर करके उसका गाड़ी start नहीं हुआ, he was trying so many things to start the car but the car he was not able to start the car, cycle में 80 साल के अंकल वहां पहुंच गए थे, the man was behind, he reached that point, अब ये अंकल ने बोले कि क्या हुआ बेटा, this uncle asked what happened son, उसने बोला अंकल मेरा गाड़ी नहीं चल रहा है, my car is not working, it stopped over here, तो उसने बोला अंकल ने बोला ठीक है मैं try करूं क्या, that old man said should I try, ये बोला अंकल ये फोर्ड का एकदम कॉस्टली गाड़ी है इसको आप ट्राई नहीं कर सकते आपके जमाने का गाड़ी नहीं है, द यंग मैन रिप्लाइड दिस इज फॉर वन ऑफ द यूनिक पीस यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इज नॉट अ कार फ्रॉम योर जनरेशन, अंकल ने बोला ठीक है फिर भी मैं एक ट्राई देता हूं, उसने बोला अंकल मैं एक घंटे से ट्राई कर रहा हूं नहीं और आप कैसा करेंगे, द यंग मैन सेड आई एम ट्राइंग सिंस एंड हार आई एम नॉट एबल टू मेक इट हाउ कैन यू ट्राई अंकल, बहुत समय के बाद ठीक है अंकल बार बार बोल रहे थे उसने बोल दिया ठीक है देख लो आप, the uncle was repeatedly saying I let me try once, so the young man said okay you try once, uncle ne 2 minute mein gaadi start kar diya, within 2 minutes the uncle was able to start the car, ye bahut tension ho gaya, the young man was perplexed, bola uncle ye gaadi main 1 ghante se start nahi kar paya aapne kaise start kiya, the young man asked I was trying since an hour and I was not able to start, how come you did it in 2 minutes, uncle ne puche gaadi ka naam kya hai, then uncle asked what is the name of the car, usne bola ford, he said ford, uncle ne bola mera naam henry ford hai, so uncle replied my name is henry ford, car ka owner hi main ye car ko bana, I am the owner of this car, hallelujah hallelujah, ye kahani main aapko kyun bata raha hu, why I told you the story, you know ye zindagi jo aap jee rahe hai ek car hai, the life you are living is a car, bhale car paisa deke tumne liya hai, zindagi aap jee rahe, no matter you are living the life, you got the car with your money, पर इसको सही आप कभी नहीं कर सकते, यू बाय योर ओन सेल्फ कांट मेक इट राइट, जब भी आप इसको सही करने करेंगे ना, व्हेनेवर यू ट्राई बाय योर ओन टू मेक इट राइट, तो सही नहीं होगा, इट विल नॉट वर्क दैट वे, वो ही कर सकता है जिसने उसे बनाया, ओनली द वन हु मेड यू कैन मेक इट राइट, कुमारी बिगड़ा हुआ मिट्टी को फिर से बर्तन में बना सकता, ओनली द पॉटर कैन मेक द मड इनटू अ ब्यूटीफुल वेसल, हालेलुया हालेलुया, हम खड़े हो जाएंगे, लेट्स स्टैंड अप, कितने लोगों को ये कहानी समझा? How many of you understood this story? आप जब तक कुमार के हाथ में हो, till the time you are in the hand of the potter,
आप कितने भी बार बिगड़ जाओ, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू आर ब्रोकन, वो आपको बनाता ही रहेगा, ही विल कीप ऑन मेकिंग यू। पर अगर आप कुमार के हाथ से निकल गए, व्हेन यू स्लिप्ड ऑफ द हैंड ऑफ द पॉटर, कुछ नहीं बना सकता आपको, ही कांट मेक एनीथिंग ऑफ यू। जैसा वो गाड़ी को जो तैयार किया है उसको ही मालूम है उसको स्टार्ट कैसा करना है। The one who created that car, who made that car, know where, how to start the car. वैसे आपके जिंदगी को जो शुरू किया है, The same way the one who started your life, सिर्फ वही उस जिंदगी को सही कर सकता है। Only he can make everything right in your life. आप कितना भी कोशिश कर लो, No matter how much you try, आप नहीं कर पाएंगे। You can't do it on your own. क्योंकि ये प्रोसेस है आपके लाइफ का। Because this is just a process in your life. आप जो तकलीफ उठा रहे हैं, the things you are going through in your life, the loneliness you are going through, you are broken, Kumar aapko bana raha hai, because God is just making you, aapke apno se aapko alag kiya hai, he has made separated you from his own, kyunki aap ek moolyavan hai, because you are different, you are an important thing to him, aap sochte hain ki main ko kyun akela kiya hai, you might be thinking why am I alone, mere liye to koi nahi hai yahan par, nobody is there for me, मैं अच्छा था कहा तो, I was so happy there, पर आज मैं अकेला हूँ, today I am alone, क्योंकि तुम कुमार के हाथ में हो, because you are in the hand of the potter, अब आपके हाथ में एक ऑप्शन है, there's an option in your hand, तुम फिर से वो झुंड वाला कीचड़ में चले जा सकते, you can go back to that mud, या फिर कुमार के हाथ में रुके रह सकते, or you stay in that place in the hand of potter, पर याद रखो कुमार के हाथ में जब भी रहेंगे आप, but remember one thing, when you're in the hand of the potter, तकलीफ आएगी, there might be problems, संकट आएगा, there might be trouble, पर याद रखो वो आपको बना रहा है, but remember one thing, he is making you, क्योंकि वचन के अनुसार आप आग में भी चलेंगे, the word says even if you walk in the fire, और पानी में भी चलेंगे, you would walk in the water as well, आपकी जिंदगी में कष्ट आएगा, there would be trouble in your life, कमजोरियां भी आएंगी, there would be weakness in your life, अकेलापन भी आएगा, there would be loneliness you are going through, धोखे पे धोखे भी आएगा, you might be cheated and cheated again, पर फिर भी, still, जब तक आप कुमार के हाथ में रहेंगे, till the time you are in the hand of the potter, आप एक मूल्यवान बर्तन बनेंगे, you will be an important vessel, एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, let's read one last verse for the day, और हम प्रार्थना करके खत्म करेंगे, and then we will pray and finish, Philippians 1:6, Philippians में 1 में 6 पढ़ेंगे, Philippians में 1 में 6 पढ़ेंगे, be confident of this, that he who began a good work in you, will carry it on to the completion until the day of Jesus Christ. Hallelujah. सब पढ़ेंगे वचन. Philippians 1:6 तमिल हिंदी सब में पढ़ेंगे. Philippians में 1 में 6 पढ़ेंगे. मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसी यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हालेलुया। जिसने आपको चुना है, the one who chose you, जिसने आपको अपनों से अकेला किया है, the one who separated you from others, जिसने आप पर भरोसा किया है, the one who trusted you, जिसने आपको यहाँ पर खड़ा किया है, the one who has made you stand here today, शुरू उसने किया है, he is the one who started, अंत भी वो करेगा, he is the one who will take you to completion, तुम्हें चिंता नहीं करना है, you don't have to worry, ये जिंदगी आपका यीशु मसीह ने शुरू किया है, the life of yours is started by Jesus Christ, चलाएगा भी हो, he will make you to walk, कीचड़ में से कुछ मट्टी को कुमार उठाया, there were few mud which was lifted from the, उठाया है कुमार ने, the potter had lifted it up, उसका काम है वो बर्तन बनाना, he is the one who is responsible to make it into a beautiful vessel, परमेश्वर जेरेमिया को यही पूछा जी मैं नहीं बना सकता हूँ क्या, the Lord asked Jeremiah, will I not be able to make it into a beautiful vessel? और वो मेरा मर्जी है मैं कैसे तुम्हें बनाऊंगा? And it's my own wish how I would make you. आप क्यों इतना चिंता कर रहे हो? Why are you worried about your life? आप क्यों इतना तकलीफ उठा रहे हो? Why are you taking all the burden on yourself? जिंदगी ये दुनिया में आप सोच के आए थे? Did you think you made a decision to come to earth? यहाँ पर है कोई जो बोल सकता मैं पहले ही जानता था कि मैं यही मेरा माता पिता रहेंगे यही मेरा पति रहेगा यही मेरा बच्चा रहेगा यही मेरा दुनिया है कोई सोचे? Have you ever imagined that I will come to earth?
this would be my dad, this would be my mom, or this would be my life partner. कभी आप एक बाल जो गिर गया फिर से लगा सकेंगे? One hair fallen from your head, can you lift it up and attach it again to your head? 5 minutes समय को रोक के रख सकेंगे? Can you stop 5 minutes of your life? चिंता कर रहे हैं? Why are you worried? क्यों आप तकलीफ में हो? Why are you into trouble? आप कुमार के हाथ में हो। You are the hand of God. जिसने आपको चुना था। The one who chose you. वो बनाएगा आपको। He will make you. आप सब जानते हैं कि आप चुने हुए लोग। You all know that you are chosen people. क्योंकि आप यहाँ पर हैं। Because you are here. आपके परिवार के लोग घर पे ही हैं। The people of your own family are at home. कुछ लोग सो रहे हैं। Some are sleeping. कुछ लोग टीवी देख रहे हैं। Some are watching TV. कुछ लोग संडे के लिए खाना बना रहे हैं। Some are making food for Sunday. पर आपको किसी ने तो बोला यीशु मसीह के बारे में? Someone told you about Jesus Christ. आप यहाँ पर आ गए। And you came to Jesus. क्योंकि आपको आप बिगड़े हुए आपको परमेश्वर बनाने चाहते हैं। Because you are the broken ones and God wants to make you. Hallelujah. Hallelujah. जो आपकी जिंदगी में अच्छा काम शुरू किया, The one who started a good work in your life. वो अंत तक नहीं छोड़ेगा। He will take you till the completion. शायद कितना भी आप बिगड़ जाओ, No matter how much broken you are. कितना बार भी आप बिगड़ जाओ, No much how many times you are broke. वो बनाते ही रहेगा। He will keep on making you. वो बनाते ही रहेगा। He will keep on making you. और जितना समय लगा रहे आपको बनाने, And how much time it's been taken to make you. उतना मूल्यवान। You will become that important. Hallelujah. 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 तो कितने लोग आपका लाइफ परमेश्वर के हाथ में देने वाले? How many of you all want to surrender yourself and give your life into the hand of God? देखो मैं जानता हूँ यहाँ से बाहर जाने के बाद ना। I know after leaving this place. बहुत तकलीफ आएगा आपको। There would be trouble which you are facing. आप emotionally बहुत break होंगे। There might be emotional breakdown. Physically भी break होंगे। There might be physical breakdown. लोग आपको तकलीफ देंगे। There might be people giving you trouble. आपको अकेलापन भी लगेगा। You might be feeling lonely as well. आपको ऐसा लगा कि मेरे लिए तो कोई नहीं है। You might be thinking that nobody to take care of. अभी भी यहाँ पर बहुत लोग को ये सोचेंगे इनको क्या पता मेरा जिंदगी में क्या है। You also so many of you are thinking that how does the pastor know what I'm going through in my life? मेरे को नहीं पता, सच में नहीं पता। I do not know. पर एक चीज पता है। But I know one thing. जिस कुमार के हाथ में तुम है ना, The hand you are in whose hand you know? उसी कुमार के हाथ में मैं भी हूँ। The same hand even I am. मेरे को जो बना रहा है ना, The one who is making me. वही आपको भी बना रहा है। He is making you as well. हम दोनों अलग अलग हैं। We are different people. वो तो अलग नहीं है ना। But he is not different, right? वो एक ही है ना। He is one, right? और अगर वो बना रहा है तो तुम क्यों चिंता करो? Then if he is making you, why are you worried? और आज तक मैंने एक चीज देखा है। See one thing in my life. दाऊद ने भी बोला वचन पे। David also said. मैं बच्चा था। I was a kid. मैं जवान हूँ। I was a teen. मैं बूढ़ा हो गया। Now I'm old. पर आज तक। I have till now. परमेश्वर पे विश्वास जो रखते हैं। The one who trusts the God. वो नीचे गिर के मैं देखा नहीं। They have never fallen down. Hallelujah. 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 प्रार्थना करेंगे। Let's pray. I don't know what was your situation when you were here. मुझे नहीं पता कि आपका परिस्थिति क्या था जब आप यहाँ पर आए। I still don't know what is your thought process today. हमें ये भी नहीं पता कि अभी आप क्या सोच रहे हैं। I don't know the pain you are going through in your life. मुझे ये नहीं पता कि आप क्या अभी आपका जिंदगी में But I know one thing. हमें एक चीज पता है। You are in the hand of the potter. आप कुमार के हाथ में हो। The potter is making you. और ये जो कुमार जो है आपको बना रहा है। Is making you, is preparing you for something very big. वो आपको कुछ तो बड़ा काम के लिए बना रहा है। The process is very hard. ये जो प्रोसेस है बहुत तकलीफ दे रहा है ना आपको। Painful process. ये बहुत दर्द दे रहा है ना आपको। You are feeling lost in your life. आपको लग रहा है खोए खोए लग रहे हो आप। You are feeling very heavy in your heart. आपको बहुत सारा दुख है दिल में। You are not able to understand what is this. आपको नहीं समझ आ रहा कि ये क्या है। I'll tell you, my brothers and sisters. मैं आपको बताता हूँ। Don't worry. Do not worry. You are the process. आप एक प्रोसेस में हो। The water in your life. ये जो पानी आपका जिंदगी में अभी है। It's a process. ये एक प्रोसेस है। The fire in your life. ये जो आग आपका जिंदगी में है। It's a process. ये एक प्रोसेस है। The hole in your life. ये जो तकलीफ है। It's a process. ये भी एक प्रोसेस है। The pain you are going through in your life. ये जो दर्द और दुख है। It's a process of God to make you a beautiful, a strong vessel. ये भी एक प्रोसेस है कि आपको एक मूल्य मुख्य पात्र बनाए। आप कितना भी बिगड़ जाओ। No matter how
times you are broken. But जब तक आप कुमार के हाथ में हैं. Till the time you are in the hand of God. आप ये भरोसा रखना. You just believe. कुमार आपको एक बर्तन बनाएगा. God is making you into a vessel. हम अपनी आँखों को बंद करेंगे. Let's close our eyes. हम इस गीत जो सिस्टर ने गाया वो गीत गाएंगे. Now we will sing that song again. और कुमार के पास अपना तकलीफ को अर्पित करेंगे. And let's surrender our problem in the hand of our Potter. क्योंकि जब तक कुमार के हाथ में हैं. Because till the time you are in the hand of Potter. तभी आप बन सके हुए. Then only you can be me. और चाहे कितना भी कोशिश कर लो आप. And no matter how much you are trying. आप कभी भी अपनी जिंदगी को सही नहीं कर सकते. You by your own self cannot make everything right in your life. आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकेंगे. You can never solve your own problems in your life. कभी भी आपका जिंदगी को अच्छा नहीं कर सकेंगे. You can never make all things right. कैसा कर सकेंगे? How can you make it? जिंदगी आपका है ही नहीं. Life is not yours. ये परमेश्वर ने आपको दिया है. This is a life given by God. तक चुकाऊं मैं का
Still I'm doing that same place. You are feeling that you're trapped in a loop.
अगेन इन माय लाइफ यही मेरा जिंदगी में वापस वापस हो रहा है नो 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 इट्स नॉट लाइक दैट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स नहीं है मेरे प्रिय भाइयों बहनों मिट्टी घूम रहा था दिस द मड वाज जस्ट रोलिंग अगेन एंड अगेन इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ घूम रहा है दैट डजंट मीन इट्स जस्ट रोलिंग वो कुमार के हाथ में घूम रहा था दैट वाज रोलिंग इन द हैंड ऑफ द पॉटर कुमार उसको बना रहा था द पॉटर वाज मेकिंग इट इफ समथिंग इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन इन योर लाइफ अगर कुछ चीज आपकी जिंदगी में वापस वापस गॉड इज मोल्डिंग यू इन दैट प्रोसेस परमेश्वर आपको बना रहा है गॉड वांट्स टू टीच यू समथिंग इन दैट प्रोसेस परमेश्वर आपको कुछ सिखा रहा है गॉड wants to make you strong in that thing parmeshwar aapko bal dena chahta because you're emotionally weak pehle aap emotionally weak the god will attack your emotions to make you more strong wo emotions ko attack karega ki aapko aur strong banane the process is to make you strong brother ye jo process hai aapko samarthyavan banane ke liye process is to make you a vessel ye jo process hai aapko ek acha moolya patra banane ke liye process is to make you very valuable among all aur ye jo process hai aapko bahut moolyavan patra banane ke liye One day it will be that. एक दिन Everyone will ask you a question. सब आपको पूछेंगे. How is your life changed? आपका जिंदगी कैसा बदला? How are you so blessed? आप इतना आशीर्वाद कैसे हो? How are you so happy? आप इतना खुश कैसे हो? I saw you long back. मैं बहुत पहले आपको देखा. You were broken. टूटे हुए थे ना? I saw you long back. बहुत पहले मैंने देखा. You were going through a lot of suffering in your life. आपको कितना तकलीफ हो रहा था आपका जिंदगी में? But today when I see you. बट आज मैं आपको देख रहा हूँ. You're so blessed. इतना आशीर्वाद हो. That time you will say one. जब आप बोलोगे. My life. मेरा जो ज़िंदगी है. Whatever I am today. जो भी मैं आज. How valuable I am today. कहीं पर भी हूँ मैं. It's only because of my Lord. It's only because of my Lord Jesus Christ. I went through the waters. मैं जो पानी में चला. But I didn't sink. पर मैं डूबा नहीं. I went through the fire. मैं आग में चला. Many people left me. बहुत सारे लोग छोड़ के गए. Many times I was broken in my life. काफी बार मैं टूट चुका था जिंदगी में. Still I'm valuable. Still मैं मुख्य पात्र हूँ. Because I was in the hand of my Lord. क्योंकि मैं कुमार के हाथ में हूँ. You are a chosen. आप चुने हुए लोग. You are a masterpiece. आप एक masterpiece. You are a valuable. आप एक मुख्य पात्र हो. You are going to be a testimony to many people. आप बहुत सारे लोगों के लिए गवाही के रूप में खड़े होंगे. That is why the process is long. इसलिए ये जो प्रोसेस जो है. Don't worry, brothers and sisters. चिंतित मत हो. You are going to be a valuable vessel. आप बहुत मुख्यवान पात्र बनोगे. One day you will experience that. और एक दिन आपको ये पता चलेगा. When every people will come and ask you. सब आके आपसे पूछेंगे. How are you? कैसे हो आप? How you became so wise? कैसे आपको इतना बुद्धि आया? How you became so rich? कैसे आप इतना अमीर बन गए? That time you'll understand. उसी दिन समझोगे. It's because of my Lord. ये मेरे परमेश्वर की वजह से. Hallelujah. 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 सिकरा पाड़ा नल्ला आंडवरे. हमें प्रेम करने अच्छी पिता. नीर कोयवन नांगल कलिमन निर्जे. आप कुमार और हम मिट्टी हैं. पास्टर बली आप ने रेगुलर पेशी रखी है. पास्टर के द्वारा हमसे बातें की हैं. देवने इन कलिमने विशेषित पात्र माग माच्चुवदक्कु हमारे हम जो मिट्टी है एक मुख्यमान पात्र बना रहे हो परमेश्वर बड़े करंगल मिगे मिगे बलत्तदाम भयंकरमानदुम आपका जो हाथ है बहुत सामर्थ्य हाथ है मैं बड़े करंगलिले एंगल कुडुंबंगले ओप्पुकोडुत्तु आपके हाथ में हमारा परिवार को हम अर्पित करते परमेश्वर एंगल पिल्लेगल एंगल एदिर्कालंगले ओप्पुकोडुत्तु हमारे जो बच्चे हैं उनका भविष्य को आपके हाथ में अर्पित करते एंगल कुंडान एल्लावच्चे ओप्पुकोडुत्तु हमारा सब कुछ आपके हाथ में अर्पित करते நிச்சயமாகவே நீர் எங்களை விசேஷித்த பாத்திரங்களாக மாற்றுவீர் என்று நம்புகிறோம் ஜரூரி பரமேஸ்வர் ஆப் हमें முக்கிய பாத்திர பனாவே हम विश्वास कर रहे हैं அதற்கு நாங்கள் உமக்கு பிரியமானபடி வணைந்து கொடுக்கிறோம் इसलिए हम आपके प्रिय बनकर रहने அப்படிப்பட்ட களிமண்களாக எங்களை மாற்றுவீர் வேசி மிட்டி हमें बनाए பரமேஸ்வர் எங்கள் ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தினால் மேல் பரமேஸ்வர் இயேசு மசீஹ் தொடர்ந்து இந்த கூட்டங்களை ஜெப கூட்டங்களை ஆசீர்வதிப்பீர் பிரார்த்தனை ஆபரேசி ஆசீஷ் கர விசேஷமாக குடும்பத்தை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம்
आशीर्वाद Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus.